यहाँ बाहर थोड़ा सा नाश्ते वगैरह अपने अरेंजमेंट कराया अपने सब्सक्राइबर्स के लिए जो आएंगे। सो गाइस एक्चुअली में मुझे पता नहीं चल पाया और ना कुछ सब्सक्राइबर्स नीचे वेट कर रहे थे बहुत टाइम से। कैसे बढ़िया? एकदम बढ़िया सर, आप बताओ। एक नंबर बॉस, कैसे बढ़िया चल रहा है? ठीक है सर। हर बार कुछ नया सीखने मिलता है इसके लिए, इसके देखते जा। तो मतलब चैनल पे समझ में आ रहा है आपको, राइट? वीडियो देखने पे ऐसा लगता है कि हाँ बेसिक से कोई बंदा आगे तक अच्छे से सीख। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है चैनल पे, राइट? समझ में सब आ रहा है। ओके ओके, दो बार घुमाया है और अभी हम दोबारा से उसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। तो भाई लग रहा है कि मुंबई के अंदर पहले हम लोग आए कि ये लोग आए। सेकंड ट्रेन छोड़ते हुए, सेकंड ट्रेन ही हमारी। सर कह रहा सर मैं आराम से आऊँ, सर मेरी हो गई बहुत, नहीं मेरी हो गई बहुत, अब मुझे नहीं करवानी। सर तो फाइनली हम लोग चर्च गेट उतर गए हैं और अब हम जाते हैं स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। और आज हम लोगों की शुरुआत सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने से, आरती अटेंड करने से हुई है। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि हमने सुबह सुबह आ गए यहाँ पे और ना काकड़ आरती होती है जो 5:30 बजे 5:30 बजे होती है और काकड़ आरती हमें अटेंड भी करनी थी, आज हमने अटेंड भी कर ली और अब हम अपना काम पे जाएंगे। सो देखते हैं क्या, अभी पहले सब्सक्राइबर्स से मिलेंगे 10 से 11, 11 से 12 जितने टाइम पे आप आएंगे एंड फिर उसके बाद हम अपनी मीटिंग से। सो मीटअप के बाद हम लोग कुछ स्पेशल हम लोग सोच रहे हैं अभी मुंबई के लिए, ऑफिस तो ओपन हो ही गया, अब कुछ और सर्विसेज यहाँ पे जो हम ऐड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और बहुत अच्छा दिन रहा हमारा, फर्स्ट डे था ऑफिस का, बहुत बढ़िया रहा, सीरियसली बहुत बढ़िया रहा, बहुत इंजॉय किया और काफ़ी इंटरेस्टिंगली काम हुआ। चलो थोड़ा चलते हैं अभी कि अब हमारा इंतजार कर रही है, हमने जैसे दर्शन करा नहीं पाते क्योंकि एक्चुअल में अंदर अलाउड नहीं है, फोन अलाउड नहीं है, अटेंड नहीं करा पाए वरना हम आपको करा दें। बाहर यहाँ पे मीटअप के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि भैया ना क्या क्या करवाना है, मतलब यहाँ बाहर थोड़ा सा नाश्ते वगैरह हमने अरेंजमेंट कराया है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए जो आएंगे, नॉट श्योर कितने आने वाले पर हमने अरेंजमेंट कर रखा है भाई अपना। तो मैंने लगा कि चाय पीना, तो चाय पीने आया तो मैंने भैया से पूछा, भैया फ्री है क्या? मैंने लगा हाँ फ्री है भैया, तो मैं चलो ठीक है ये ले लेते साथ में। रिद्धिया खाने में लगी हुई हो, तो रिद्धिया संडे का फास्ट है तो रिद्धिया जो है ना फास्ट में सामान खाएगी, बाकी पूरा तो मैं ही खाऊंगा। सो गाइस एक्चुअली में मुझे पता नहीं चल पाया और ना कुछ सब्सक्राइबर्स नीचे वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, और मतलब मुझे एक्चुअल में पता नहीं था क्योंकि हम लोग रूम में थे, हम लोग वेट कर रहे थे कि वो लोग आएंगे, नीचे सबसे ने बोला हुआ था कि वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे, सबसे ने इन्फॉर्म नहीं करा, बेचारे ने बहुत टाइम से वेट कर रहे। फिर फोन आया मुझे ऑफिस से कि सर कोई बाहर खड़ा हुआ है, तो मैंने अरे यार बहुत लेट हो गया, तो थोड़ा नीचे जाते हैं एक बार उनसे मिलते हैं। कैसे बढ़िया? एकदम बढ़िया सर, आप बताओ। एक नंबर बॉस, कैसे बढ़िया चल रहा है? ठीक है सर। तो गाइस फाइनली वेट करने के बाद बेचारे बहुत मुश्किल से इन लोग बहुत मतलब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। एक्चुअली हमने अंदर बोल रखा था कि लाइक कोई भी आए तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो कुछ बच्चे जब आए थे पहले तो हम उनसे मिल लिए और अभी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो 45 मिनट्स 1 आवर इन बच्चों ने वेट किया है। सॉरी आ रहा है ना, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। सॉरी। सो गाइस आपका नाम बताना एक बार। यशोधर भाई, ये हमारे चैनल के अंदर लाइव में बना रहता है हमेशा ही। और भाई अपना नाम शिवम। तो भाई ये दोनों जो सब्सक्राइबर है हमारे, और ना एक पवई से और एक गोरेगांव से, ऑल दो ये गोरा नहीं है पर गोरेगांव में रहता ही है ना, पर बाकी बहुत बढ़िया लगा इनसे मेरे। चलो चाय वे पीते साथ में, उसका फिर अपन देखते हैं क्या करना है आज का। तो गाइज मैंने सब्सक्राइबर्स को ये बोला कि जितने सब्सक्राइबर्स हमसे पढ़ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उन सबके लिए बिल्कुल ओपन है हमारा ऑफिस जो अंधेरी ईस्ट में ऑफिस है, हम एड्रेस डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो जब भी हम लोग यहाँ पर आए, आपको अगर पर्सनल 1-to-1 कुछ पढ़ना हो, कुछ डाउट्स क्लियर करना है, कभी भी वेलकम है। ये होटल फैब जो है ना, इसके अंदर हमारा कन्फर्म रहता है हमेशा, इसके अंदर यहीं पर आके रुकते हैं हम लोग, तो कभी भी आपको आना हो तो प्लीज़ आप इधर आइए और फोन कर लीजिए, आप अगली बार से नंबर डाल दूंगा। तो ये इंस्टाग्राम वाला लोचा नहीं होगा भाई कि ना यार इंस्टाग्राम पे कॉल करा और किसी को वेट भी नहीं करना पड़ेगा, इस बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। हाँ एक्चुअली में हमारा ही पहली बार था ना भाई, इससे पहले अपन ने कभी करा नहीं, अपन को पता नहीं था कि भाई कैसे क्या होता है, ठीक है ना। और भाई कुछ बच्चे आए तो उनका तो मिल लिए, पर उसके बाद भी आ सकते हैं कुछ बच्चे, ये पता नहीं था हमें। सो बहुत मज़ा आया, चलो थोड़ा चाय पीते क्योंकि एक चाय तो होनी चाहिए यार हैकर ब्लॉक के साथ में, है ना। तो वहाँ हैकर ब्लॉक के साथ में भाई एक चाय की उसकी देते हुए सारे चेयर्स। हाँ ये बात मैम का इतना सही है।
चलो बहुत बढ़िया बात है, हमारा एक सब्सक्राइबर और मिस हो गया है, पर नेक्स्ट टाइम उसको आएंगे ना तो घर पे जाके मिलकर आएंगे उसके यहाँ पे। सो यशोदा कुछ बताओगे अपने बारे में, क्या करती हो अभी, आपकी एजुकेशन चल रही है, बीएसआईटी कंप्लीट किया ग्रेजुएशन, और अभी वर्क कर रहा है जो सिक्योरिटी इंजीनियर। अरे वाह, सर के इसमें से मतलब बेसिक अभी भी मैं क्लियर ही कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार कुछ नया सीखने मिलता है इसके लिए, मैं देखते जा रहा हूं। तो मतलब चैनल पे समझ में आ रहा है आपको, राइट? वेरी गुड। सो आज हमारे साथ पवई से शिवम है। सो आप बताएंगे मतलब अभी आपकी एजुकेशन क्या चल रही है, अभी आप जॉब कर रहे हो या क्या कर रहे हो? आई एम स्टूडेंट हो। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे को साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट था, तो मैंने सर का वीडियोस देखा, तो मेरे को सर का वीडियोस बहुत अच्छा लगा, मतलब बेसिक्स क्लियर करने के लिए सर के वीडियोस बहुत अच्छे लगे, तो इसलिए मैं सर से मीटअप करने के लिए भी दे रहा हूँ। उनका वीडियो देखने पे ऐसा लगता है कि हाँ, बेसिक से कोई बंदा आगे तक अच्छे से सीख, तो मतलब आपको समझ में आ रहा है चैनल पे, राइट? समझ में सब आ रहा है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। स्टेशन पहुंच गए हैं, जस्ट गौरांश का वेट कर रहे हैं, गौरांश आए तो फिर हम लोगों को आगे निकलना है, हम वहां पे जाएंगे। तो गाइस अभी हमारे साथ में दिख रहा हो गौरांश भी है, गौरांश बेचारा बहुत टाइम से वेट कर रहा था, ये भी वेट कर रहा था, वो भी वेट कर रहा था, और हम भी वेट कर रहे थे एक्चुअली में, बीच में तीनों के बीच में कम्युनिकेशन का थोड़ा सा वीकनेस था, और भाई को जाने कौन सी बिल्डिंग मिल गई थी, काम चल रहा था और ये भागे जा रहा है। हम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के उस साइड थे, ये इस साइड था, और हम लोग सब इंटरेक्शन कर रहे थे कि आ जाओ इधर मिल लो, बाद में इसको बोला हमने तू वहीं पे रुक जा, रुका हुआ है, हम लोग घूम के आते हैं, फिर ये भी घूम के आया और हम तेरा दिख गए थे आप उधर थे, ये रुका नहीं बंदा, हमें ढूंढने के लिए घूमता रहा और हम भी घूमते रहे, फाइनली मिल गया एक सब्सक्राइबर, ये जो बेचारा हमें लेकर आया कि चलो यार तुम लोगों को पता नहीं रहा था तुम लोग घूम घुमा जाओगे, तो पता नहीं कि इधर चलो उधर उधर चलो उधर गाइड कर रहा था, और तेज चला ले, आवाज नहीं आनी चाहिए ना मेरी। कितनी बार इन्होंने घुमाया अपन को यहाँ से वहाँ? दो बार घुमाया है, और अभी हम दोबारा से उसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई, हम जैसे ही यहाँ पे आए तभी अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ की लोकल 3 बजे तक मतलब डाउन रहेगी। मुंबई के अंदर पहले हम लोग आए कि ये लोग आए, इनको थोड़ा सा और मैप देखने की जरूरत है, हमें दोनों गाइड करना है और हमें और कंफ्यूज कर रहे हैं, आगे ही ट्रेन आ गई, अरे पर देखो तो कौन से प्लेटफॉर्म पे आई है, वहां तक जाते जाते निकल जाएगी वो, अरे वो पीछे से गई जो हम बोल रहे हैं, चली गई वो, अरे वो जा रही है, बाय कर दो, बाय कर दो इसको एक बार, मतलब रुकेगी, सारे ट्रेन को बाय कर दो। सेकंड ट्रेन छोड़ते हुए, सेकंड ट्रेन ही हमारी, हमने 3 राउंड्स अप एंड डाउन कर लिया, अच्छी एक्सरसाइज हो रही है, आई अंडरस्टैंड, बट इतनी भी नहीं कर ली, क्या रे दूसरी छोड़ी है ना, दूसरी ट्रेन जा, वो भी गई, देखो ये ट्रेन आ गई, बोल रहा था आप चलो उसी भाई, आज इधर ही अपन को करना है, कहाँ चलना है, सही काम कर, एक जगह रुक जाओ, उधर की ट्रेन ले लो, ऐसे कैसे भागेंगे भाई, ये 3 बार तो मुझे ना ट्रेन छोड़वा चुका है ना, अभी एक बार और सीने क्या रहे तेरा, एक और सीन मैंने उसको ना झंड करता तेरा, तो बैग उतार के आ रहा सर मैं आराम से आऊँ, और अरे सर मेरी हो गई बहुत, तो हुई नहीं मेरी हो गई बहुत, अब मुझे नहीं करवानी झंड, तो तब एक्चुअली हुआ क्या, क्यों झंड आ गई, फाइनली हम इसमें जा रहे हैं, बाबा कहाँ जा रही हो? सो फाइनली हम लोग चर्च गेट उतर गए हैं, और अब हम जाते हैं स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, देखते हैं स्ट्रीट शॉपिंग में क्या क्या मिलता है, कैसी चीज़ें, हमारे बच्चे ने भी नहीं कर रखी है शॉपिंग, तो अब हम सोचते हैं देखते हैं क्या, सो भाई इसने स्ट्रीट शॉपिंग के लिए मैं बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहा था, सर आप मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो, मैंने चलो ठीक है लेके चलते हैं, पंजाबियों की शान अमूल लस्सी, ये क्या है, खाना लस्सी पी रहे हैं दोनों के दोनों, मस्ती चाय, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, अरे वैसे पता है कई कई जगह 10 रुपए दिए हमने बोलने के लिए, ऐसा लग रहा कई कई जगह की लस्सी अच्छी नहीं होती, लेकिन आई थिंक अमूल की बहुत, अमूल की अच्छी थी, मिल्क अच्छी थी, हमने हमने पिया था वो अच्छा नहीं था, छोटा था,
अभी हम लोग बर्गर किंग बैठे हैं और अभी बस इसके बाद हम फिर स्ट्रीट शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो अभी तपन और हमारा जो स्टूडेंट है सब्सक्राइबर है उसका आज बर्थडे है, तो तपन और वो दोनों कुछ ना कुछ खाने में लग रहे हैं एंड मैंने अपना ऑलरेडी फूड ले लिया है ना। तो बस अब हम बर्गर किंग बैठेंगे, थोड़ा सा स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, थक गए बहुत देर से मेट्रो में चलते चलते सॉरी लोकल में चलते चलते, फिर हम डायरेक्ट शॉपिंग के लिए निकलेंगे, देखते हैं क्या मिलता है या जस्ट एक ऐसे ही राउंड ट्रिप लेके आ जाएंगे। हमारा नेचुरली ऐसा है, हम नेचुरली ठंड करते हैं लोग, कोई चला नया जो आया 10 मिनट पहले तो जुम्मे जुम्मे जाने हुए वो बेचारे उतनी झंड कर देते हैं ब्लॉग में। और बंदा वैसे कि चारों भाई मैं नहीं आ रहा भाई, मैं ब्लॉग में नहीं आऊँगा। कैसा लगा आपको यहाँ का मार्केट? बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा कि अब तो मेरा मन भी नहीं है कि मैं यहाँ से कुछ खरीदूँ। ओ इतना आई टू वेस्ट पैसा जो है वो ठीक है। तेरा क्या है रे? किस बारे में? मार्केट, मार्केट के बारे में। अच्छा अच्छा है, डूब मजा ऐसे कपड़े दिखाए उसने, जो पसंद है उसमें तो साइज है नहीं और जो नहीं पसंद है उसमें वैरायटी है। गाइज़ अभी जो है हम लोग यहाँ पर आए थे मरीन लाइन और ड्राइव के अंदर, थोड़ा सा अंतर हो गया क्योंकि ना जाना था मरीन ड्राइव और भाई ने बोला मरीन लाइन, फिर ना पूरा कूद फा अंदर के हम लोग इधर से क्रॉस करा फिर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऐसा चल रहा है हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तो अगर मरीन ड्राइव आप आ रहे हैं तो पहले पीछे वाला देख लें और ना आए, क्योंकि वहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ अच्छे से नहीं मिलेगा आपको, दूर से तो समुद्र भी दिख रहा है, धूप भी इतनी तेज है कि यहाँ पे कहीं बैठने की भी जगह नहीं है। सो इट्स नॉट गुड टू कम हियर, ठीक है ना? अगर आप देख रहे हैं ब्लॉग कहीं बाहर से तो मुंबई आके कभी यहाँ ट्राई ना करें, कभी तो नहीं अभी तो फिलहाल ट्राई ना करें, दो तीन साल में ट्राई करें। चलो और चलते हैं, ये अम्बानी भाई ने बड़ा लोचा कर दिया। गाइस इस बार जो बता रहा हूँ मैं आपको, मुंबई ट्रिप हमारा बहुत खर्चे वाला हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि आते वक्त भी हमारा टिकट कैंसिल हो गया था, अभी जाते वक्त भी हमें पता चला 2 घंटे पहले कि टिकट कैंसिल हो गया। सो अब है ना जो क्या होता है कि हमें 1 महीने के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी और नेक्स्ट मंथ का जो हम लोग आएंगे उसकी डेट हम पहले रिवील कर देंगे, क्योंकि हम लोग टिकट पहले ही करवा देंगे। सो अब 1 मंथ की प्लानिंग होगी हमारी। आज एक्चुअली आज का दिन बहुत हैक्टिक निकला, संडे भी था और काफ़ी हम लोग इधर उधर गए थे तो काफ़ी ज़्यादा पजल भी हो गए थे ट्रेन की वजह से वगैरह, लेकिन ट्रेन का टिकट भी कैंसिल हो गया, सो लकीली अब मिल गया है। और जैसा तपन ने बताया कि अब हम आगे की पहले ही प्री प्लानिंग करके आए। खाने के बाद आइसक्रीम ना खाएं तो कैसा लगे? जो आज अभी हम लोग कल भी खाए थे केसर पिस्ता, अभी भी हम केसर पिस्ता खा रहे हैं और फिर हम निकलेंगे बांद्रा स्टेशन। सो अभी है ना हमने मतलब सब्सक्राइबर साथ मिलने के बाद उसके बाद तो मतलब 3-4 बजे तो ऐसा हो गया था अभी तो आउट बिल्कुल, क्योंकि ना हमारा टिकट भी है ना कैंसिल हो गया था, तो हमने वो रीबुकिंग कराया, उन सब में लगे रह गए। तो जैसे हमारा एक केस चल रहा था ऑलरेडी जो हमारा क्लाइंट था उसका है ना सारा केस हमें सॉल्व करना पड़ा, तो वो चीज़ का टाइम चला। फिर थोड़ा सा हम बाहर का मार्केट एक्सप्लोर कर अपने आस पास टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि 12 बजे ट्रेन है बॉस, मतलब 40 मतलब आप सोचो 12 घंटे कैसे निकाले। तो फलाना खाया फिर मैंने फटाफट अब जाके वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं, अब हम निकल रहे हैं फटाफट यहाँ से बैग लेंगे और सीधे स्टेशन पहुँचे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, आपको आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत भयंकर थक चुके हैं आप, जा रहे हैं यहाँ पे से कोटा और हो गया हमारा मुंबई की जर्नी यहीं पे, यहीं तक थी हमारी मुंबई की जर्नी इस महीने की, तो इस मंथ की जर्नी यहीं तक थी, नेक्स्ट मंथ की जर्नी अब प्लान होगी और फिर आएंगे। और बहुत अच्छा मीटअप हमारा हो गया इस बार, ओके अनएक्सपेक्टेड था लेकिन बहुत अच्छा हो गया। चलो ठीक है, ओके टेक केयर, बाय बाय।